हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके राठी क्लासेस। आज जो चैप्टर हमारा होना है वो होना है फाइलम या संघ के बारे में। ये आज पूरा टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। आप पिछले चार टॉपिक के अंदर आप देखेंगे, जो पार्ट चार तक मैंने दे रखा है उसमें हम लोगों ने जो प्रमुख फाइलम है वो किए, जिनको एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या हमने किए। एक तो प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा के बारे में, दूसरा कोलेंट्रेटा, तीसरा प्लेटी हेलमेंथीस, चौथा नेमाटोड, एनिलीड, इसके बाद आर्थ्रोपोड, और आज बचे हैं दो, एक है मोलस्क और दूसरा इकाइनोडर्मेटा। तो सबसे पहले मोलस्क के बारे में करते हैं। तो मोलस्क के बारे में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक तो मोलस्क जो संघ है ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा संघ है, यानी कि पहला सबसे बड़ा जो संघ है वो है आर्थ्रोपोड, यानी कि लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोड और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्क। तो आज मोलस्क के बारे में जो पॉइंट्स है ये देखिए, मोलस्क के बारे में सबसे पहले तो सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो पहला बिंदु तो हमारा वही याद रखना है, यानी कि सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, और पहला फाइलम या सबसे बड़ा फाइलम हमने पढ़ा है आर्थ्रोपोड जिसमें कीट या इंसेक्ट्स आते हैं, और सबसे छोटा फाइलम हम लोगों ने पहले पढ़ा था पोरीफेरा। तो उस चीज को आप रिवाइज जरूर करते रहिए। सेकंड चीज इसके बारे में, ये जल और थल दोनों पर मिलता है, यानी कि लैंड और वाटर दोनों के अंदर ये प्राप्त होता है, जल और थल दोनों में, दोनों पर पाया जाता है, पाया जाता है, यानी कि इट इज फाउंड ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, फाउंड ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। थर्ड पॉइंट इसके बारे में आएगा कि इसका जो सांस लेने का अंग है वो कौन कौन से हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो श्वसन अंग दो हैं, एक तो गिल्स जिनको गलफड़े कहते हैं, और सेकंड लंग्स या फेफड़े। इसके बाद आते हैं इसका जो, और इसमें जो उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आप ध्यान कीजिए, मैंने आपको इससे पहले भी जो लेक्चर्स थे उसके अंदर बताया था कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे आर्थ्रोपोड का ग्रीन ग्लैंड्स या मेलफिगी ग्रंथियां कहा जाता है, मेलफिगी ग्लैंड्स कहा, ट्यूबुल्स कहा जाता है, उनके बारे में मैं बता चुका हूँ। तो इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है उसे कहते हैं उत्सर्गिकाओं। उत्सर्गिकाओं को मतलब इंग्लिश में मेटानेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया। तो ये जो अंग है ये हम जो एनालिड है उसके अंदर भी ये प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसा अंग है जो कई सारे जो संघ है या फाइलम है उसके अंदर प्राप्त होता है। इसके बाद अगले टॉपिक, जैसे कि हर लेक्चर के अंदर इन संघ या फाइलम के बारे में बता रहा हूँ, वो आते हैं इनके एग्जाम्पल्स। इसके बाद जो इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट के साथ में सबसे पहले नंबर आता है वो आएगा ऑक्टोपस, जिसे ऑक्टोपस जो है, जिसे हिंदी में भी ऑक्टोपस यानी कि इसके जो आठ हैं, आठ इसके अंग होते हैं जिनको पैरों की तरह हम कह सकते हैं। तो ऑक्टोपस को कहा जाता है दानव मछली, दानव मछली, या इसे कहते हैं डेविल फिश। अब जब आप
ये पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी वास्तविक मछलियां हैं, रियल फिश है, कौन सी अवास्तविक मछलियां हैं। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि मछलियों की जब सूची हम देखेंगे तो उसमें ऑक्टोपस जो है वो उसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि ऑक्टोपस जो है मछलियों से अलग एक अलग संघ है जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, वो मोलस्क के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि ऑक्टोपस जो है वास्तविक मछली नहीं है। अब इसके बारे में क्या है, इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है या ग्लैंड पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं इंक ग्लैंड, या फिर इन्हें कहते हैं इंक ग्रंथि, या जिसे हिंदी में कह सकते हैं कि यह है शाही ग्रंथि। तो जो इंक ग्लैंड या शाही ग्रंथि है इसका इस्तेमाल किया जाता है सुरक्षा के लिए। तो ये सुरक्षा के लिए इन जीव के अंदर प्राप्त होता है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा कटल फिश। ये जो कटल फिश है, जैसे आप नाम देख रहे हैं तो इस प्रकार से ये जो कटल फिश है ये भी वास्तविक मछली की श्रेणी में नहीं आएगी, और इसके बारे में भी वही पॉइंट है कि इसके अंदर भी सुरक्षा के लिए जो ग्रंथि पाई जाती है उसे कहते हैं इंक ग्रंथि। अगला पॉइंट हमारा सी जो है उसके अंदर आ जाता है, जिसे कहते हैं एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल जो है इसे हिंदी में कहते हैं सेवा घोंगा। और लास्ट है इसके अंदर एग्जांपल, जिसे कहते हैं सी हेयर, यानी कि समुद्री खरगोश। ये तो इस प्रकार से ये जो मोलस्क समूह था जिसके लिए जनरल कंपटीशन से जुड़े हुए जो प्रमुख सवाल आ सकते थे वो सारा का सारा मोलस्क के अंदर हमने समाप्त किया। अब अगला जो समूह है उस समूह को कहा जाता है इकाइनोडर्मेटा। 2017 के अंदर एमटीएस के अंदर जो एग्जाम हुए उनके अंदर इससे जुड़ा हुआ सवाल आया था, और सवाल ये था कि जो स्टार फिश है या नालपाद यानी कि ट्यूब फिट निम्न में से किसका चलने का अंग होता है। तो उसके बारे में हम आंसर तभी दे पाएंगे जब हमें पता हो कि ये जो समूह संघ है इकाइनोडर्मेटा इसके अंदर जो प्रमुख अंग है वो प्रमुख अंग क्या कहलाते हैं। इकाइनोडर्मेटा ये वो संघ है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि ये वो संघ है जिसके सभी जीव जो है समुद्री जंतु होते हैं और समुद्र की गहराई में मिलते हैं, यानी कि सभी जंतु समुद्र के तल पर पाए जाते हैं, यानी कि दे आर फाउंड ऑन ओशियन फ्लोर्स। तो ओशियन फ्लोर के ऊपर ये प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट जो आएगा हमारा इसके बाद आएगा कि इनका जो सांस लेने का अंग है या जिस तरीके से इनका जो गमन का जो अंग है वो क्या कहलाता है। तो जब हम कहेंगे इनका गमन का अंग यानी कि लोकोमोशन ऑर्गन, तो वहां पर हमारा आंसर आ जाएगा जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि 2017 के अंदर क्या सवाल आया। लोकोमोशन ऑर्गन के अंतर्गत जो आएंगे वो आएगा सबसे पहले एक तो पादाब जिसको कहा जाता है सूडोपोड। और आप ध्यान कीजिए कि अमीबा जो है जो हमने पहले संघ के अंदर शामिल किया, जैसे एंट अमीबा के बारे में पढ़ा जिससे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जिससे कि ये आंत के अंदर पेचिस हो जाती है या डिसेंट्री होती है, उसका जो चलने का अंग था वो भी पादाब था, यानी कि जो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा ग्रुप था उसके अंदर भी चलने के लिए इस अंग के बारे में था, इस अंग का वर्णन था। और अगला जो है वो है नालपाद यानी कि इसे कहते हैं ट्यूब फिट। इसके अलावा इसमें मस्तिष्क और सिर का अभाव होता है, यानी कि दे डू नॉट हैव अ हेड और अ ब्रेन। मस्तिष्क और सिर का अभाव होता है, यानी कि माइंड ब्रेन
एंड हेड आर एब्सेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म होता है। अगला पॉइंट आ गया, जैसे हम हर जगह पे पढ़ रहे थे, ज्यादातर संघ में आपको मैंने कराया था कि कौन कौन से उत्सर्जी अंग है या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो इस मामले में यहां उत्सर्जी अंग का अभाव है, अभाव है, ये पॉइंट हो गया। यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज एब्सेंट। इसके बाद आ गया कि इनका जो श्वसन का अंग है यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन कहलाता है, तो इनमें श्वसन अंग जो है, श्वसन अंग या रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसमें भी एक चीज रोचक है कि इनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसमें या तो जो नालपाद है यानी कि ट्यूब फिट है वो भी इस्तेमाल होता है, नालपाद जिसमें ट्यूब फिट, इसे भी, इसकी मदद से भी। इसके अलावा इनके यहां होता है, इनके अंग होता है जिसे कहते हैं श्वसन वृक्ष, जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्री, तो दूसरा है श्वसन वृक्ष, रेस्पिरेटरी ट्री। ये रहे इनके इंपॉर्टेंट फीचर। तो जैसे हमने नालपाद के बारे में किया है तो इसी से जुड़ा हुआ फिर अब आपको 2017 के जो एमटीएस के अंदर सवाल पूछा गया उसका उत्तर मिलेगा जब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। तो इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, किन्हें शामिल किया जाता है, तो सबसे पहले तो हम उसी क्वेश्चन के साथ शुरू होते हैं जो 2017 के एसएससी के एग्जाम में आया। सबसे पहले तो आ गया स्टारफिश, स्टारफिश इसे सी फिश यानी कि समुद्री मछली या स्टारफिश के नाम से जाना जाता है। क्या क्या विशेषताएं हैं स्टारफिश या सी फिश की, वो हमने देख ही लिया कि जितने भी जीव हैं इनके चलने का जो अंग है वो कहलाता है ट्यूब फिट। तो यही 2017 एमटीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा और एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है कुकुमेरा यानी कि कुकुमेरा जो है अंग्रेजी में कुकुम्बर जो है उसे खीरे को बोलते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है समुद्री खीरा, क्योंकि इसका जो आकार है वो समुद्री खीरे या इसे कहते हैं सी कुकुम्बर। इसके अलावा सी अगला है सी लिली, क्योंकि एक प्रकार का फूल पाया जाता है उसी के नाम, उसी के आकार होने के कारण इसे कहा जाता है सागर लिली। और लास्ट है ब्रिटल स्टार। तो इसी से हमारा क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, दो प्रकार के, कौन सी मछली है कौन सी नहीं है, कौन से का अंग जो है सांस लेने का क्या कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने जितने भी संघ है वो संघ कंप्लीट करें। तो आज जो मैंने पढ़ाया जरा उसका रिवाइज कर लेते हैं, क्या कराया, तो आज जो मैंने पहला संघ कराया आपको वो कराया मोलस्क। मोलस्क के बारे में मैंने बताया ये जल और थल यानी कि लैंड और वाटर दोनों के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा फिर हमने करा कि इनका जो सांस लेने का अंग है वो होता है या तो लंग्स या फिर दूसरे होते हैं गिल्स यानी कि या तो फेफड़े या गलफड़े। इसके बाद हमने किया कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसके एग्जाम्पल मैंने चार कराए आपको, एक कराया ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश कहते हैं, दूसरा मैंने कराया आपको कटल फिश, तीसरा कराया समुद्री खरगोश या सी हेयर, और लास्ट कराया एप्पल स्नेल या सेवाप घोंगा। उसके बाद हमने शुरू किया आखिरी वाला जिसे कहते हैं इकाइनोडर्मोटा। इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये वो जंतु हैं यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो सी फ्लोर के ऊपर यानी कि समुद्र के तल पर प्राप्त होते हैं, इनमें मस्तिष्क और सिर का अभाव होता है यानी कि दे डू नॉट हैव हेड एज वेल एज ब्रेन। इसके बाद कि हमने कि इनका लोकोमोशन का ऑर्गन यानी कि गमन का जो अंग है वह कौन सा होता है, वो हमने पढ़ा कि इनके अंदर ट्यूब फिट और सूडोपोड यानी कि इनमें नालपाद और पादाभ होते हैं, और ये नालपाद जो है इनकी एक विशेषता और है कि इनका इस्तेमाल श्वसन करने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद हमने इनके एग्जाम्पल देखे कौन कौन से, एग्जाम्पल में हमने स्टारफिश, इसके बाद सेकेंड जो है कुकुमेरा, थर्ड सी लिली, और लास्ट हमने किया ब्रिटल स्टार।
तो इस तरीके से बच्चों इस पार्ट के साथ ही मैंने जो अपनी किताब के अंदर आपको दे रखे हैं इस बार, क्योंकि छठा जो संस्करण है, सिक्स जो वर्जन है, उसके अंदर मैंने इन चैप्टर को दिया है जो कि पांचवें संस्करण के अंदर नहीं था। तो वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि इस बार 2017 में जो क्वेश्चन आए बहुत सारे, तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि बायोलॉजी के अंदर हमें इस सेक्शन को मुझे जोड़ना चाहिए। हालांकि बायोलॉजी बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से या अपनी किताब के माध्यम से मैं आप लोगों को हमेशा प्रयास करता हूं केवल वही चीजें उपलब्ध हो ताकि ज्यादा से ज्यादा परीक्षाओं में पूरी हो सके। अन्यथा विद्यार्थी के लिए या एक स्टूडेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो उसे पढ़नी पड़ती है, तो इसलिए इसमें सारांश की तरह मैं इसको बता रहा हूँ। और आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और ये निश्चित है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है आप उसमें सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का वीडियो मैं यहाँ लेक्चर का खत्म करता हूँ और प्रभु को धन्यवाद, और आप लोगों को स्टूडेंट्स को बहुत बहुत दोनों को धन्यवाद, प्रभु को और आपको, कि आप लोगों ने इतना मेरे लिए सहयोग किया, मुझे इतना सहयोग दिया और मेरे छठे एडिशन को जो आपने बहुत अधिक प्यार दिया है, यानी कि मेरे पास प्रतिदिन या जो पब्लिकेशन है उनसे लगातार मेरे पास इस तरीके का संपर्क आता है जी, फोन के लिए दूर दूर से, यानी कि पूरे उत्तर भारत के अंदर से, दिल्ली से, हर जगह से लगातार फोन है। और इतना ज्यादा प्रेम जो है वो छठे संस्करण को बच्चों का मिला है कि मैं उससे वसीभूत हूँ। तो इस प्रकार से बच्चों मैं धन्यवाद करता हूँ, और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।